नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। आज की वीडियो में मैं आपको यंत्र मंत्र तंत्र बाधा से बचने के लिए, काले जादू से बचने के लिए, किसी प्रकार का भी भूत प्रेत का असर किसी व्यक्ति के परिवार में या व्यापार में है या उसके शरीर पर है, उसे हमेशा के लिए दूर करने के लिए एक शक्तिशाली शाबर मंत्र बताऊँगा। और इस मंत्र का प्रयोग बहुत आसान है। जिस व्यक्ति को समस्या है उसके सिर पर हाथ रखकर आपको मात्र 7 बार यह मंत्र बोलना है और बाधा चाहे 10 साल पुरानी है हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं के समाधान के लिए और राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस मंत्र का प्रयोग करने से पहले आप इस मंत्र को जप कर सिद्ध कर लें। मात्र आपको 1 घंटा जपना है, 11 माला आपको जपनी है इस मंत्र की, और फिर हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए यह सिद्ध हो जाएगा। फिर किसी भी समय किसी भी व्यक्ति पर आप इसका प्रयोग करके इसको सिद्ध कर सकते हो। तो दोस्तों, मंत्र है ओम नमो भसाणम वर्षिने भूत प्रेतानाम पलायनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भसाणम वर्षिने भूत प्रेतानाम पलायनम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आप किसी भी मंदिर में, एकांत स्थान में 1 घंटा जपिए। 1 घंटा जपने से यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर जब आपको प्रयोग करना हो, तो यदि आपको लगता है कि आपके शरीर में आलस्य भरा हुआ है, आपको लगता है आपके सारे काम अचानक से बिगड़ते जा रहे हैं, आपको लगता है कि पूजा में बैठने पर बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, पूजा में आपका मन नहीं लगता, किसी ने तंत्र मंत्र करा दिया है, स्वप्न में आपको कोई समस्या आ रही है, इस प्रकार का कुछ भी आपको डाउट है कि आपके ऊपर कुछ ऊपरी बाधा का असर है, आपके व्यापार उससे प्रभावित हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप इस मंत्र को अपनी पूजा में बैठ करके जपिए। 1 माला कर लीजिए 5 मिनट में, और या किसी व्यक्ति के ऊपर इस तरह की समस्या है आपके आस पड़ोस में, आपके सगे संबंधी के ऊपर, तो उस व्यक्ति के सिर पर हाथ रखकर आप इस मंत्र को 7 बार मात्र पढ़िए। दोस्तों, आप पाएंगे चमत्कार हो जाएगा। इस मंत्र को मात्र 7 बार उच्चारण करने से ही व्यक्ति के ऊपर चाहे जितनी भी पुरानी बाधा थी वह बाधा हमेशा के लिए दूर हो गई है। किसी परिवार में इस तरह की बाधा है तो अपने घर में जप कर ले, और यदि किसी व्यक्ति के कारोबार में इस तरह की बाधा है, कारोबार बंधवा दिया है, काला जादू करवा दिया है, ठीक ठाक चलते चलते सारा व्यापार ठप पड़ गया, संबंध अचानक से खराब होने शुरू हो गए, ये सारी की सारी बातें हैं, तो निश्चित रूप से आपको वहाँ पर इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, मैं कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी, वो भी मुस्कुराते हुए।